आज रामनवमी का त्यौहार है और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया है। ये सेंटर 90 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस सेंटर में रामायण कालीन घटनाओं को पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदिकाल से केंद्र रहा है, इस केंद्र में हम लोगों ने तीन नदियों को मिलते हुए हम देखते हैं। यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग का भी समागम यहाँ दिखाई पड़ता है। वहीं आज इस श्री नारायण के गोद में प्रदेश भर के आए हुए लोगों का भी समागम हुआ है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय साथियों, आज रामनवमी है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस नवरात्रि का विशेष महत्व गांव गांव में शीतला और शीतला में जवारा और जवारा के साथ साथ सेवकों के द्वारा सेवा गीत और साथ ही घरों में भी जवारा बोने का काम होता है। और जितने भी हमारे देवी विराजे हैं, चाहे वो दंतेश्वरी हो, चाहे बम्बलेश्वरी हो, चाहे महामाया हो, बिलई माता हो, चाहे अन्य अन्य जगहों में आप देखेंगे, सभी जगह जोत जवारा बोया जाता है। लोग उपवास रखते हैं 9 दिन तक के, और आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के अवतरण दिवस के दिन कन्या भोज भी कराते हैं। अपने इष्ट मित्रों को बुला के भोजन भी कराते हैं। और आज ABP News आपको रखे आगे।